स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे है बनाएंगे इसको हम, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फॉर्मेशन है इसकी बनाएंगे इसको। जैसे इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी, कैसे बनाया जाएगा। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विल या शैल हैव बीन फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, तो ये विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल का के द्वारा अनुकरित की जाएंगे, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल इनके बाद आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी से हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, वी शैल हैव बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग, हम सुबह तक सवाल हल कर चुके होंगे। इन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका होगा, रहे होंगे, लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्टिव सेंटेंसेस नोट कम्स बिटवीन शैल विल एंड हैव बीन। इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, जो नोट है ये कब आता है, शैल और हैव बीन के बीच में आएगा नोट, ठीक है। वी शैल नोट हैव, कहाँ पे है, शैल और हैव के बीच में नोट आएगा। हैव नोट बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पहले सवाल हल नहीं कर चुके होंगे। इन सेंटेंसेस में क्या आता है, रहे होंगे, ठीक है, या रहे होंगे या रहा होगा। जैसे वी शैल हैव नोट बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग, हम सुबह तक सवाल हल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, शैल विल कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, इनमें शैल और विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हैव बीन इसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट का फॉलोइंग करेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी हैव बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह तक, सिंस मॉर्निंग तक, मॉर्निंग तक हम सवाल हल कर रहे होंगे। यूज़ कैसे करेंगे इसको, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ टाइम एंड इवन आफ्टर दैट। इसमें ऐसे एक्शन आते हैं जो कि किसी निश्चित समय तक, समय से पहले शुरू हो चुके हैं पहले या शुरू होंगे और उस निश्चित समय के बाद तक होते रहेंगे, मतलब जारी रहेंगे। कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, उस निश्चित समय तक जारी रहेंगे और इवन आफ्टर दैट, और उस निश्चित समय के बाद भी जारी रह सकते हैं। बाय एग्जांपल इसका, बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन लिविंग इन रोहतक फॉर 10 ईयर्स, अगले महीने से हम रोहतक में रह रहे होंगे 10 साल तक, ठीक है। इसके लास्ट में कहता रहा होगा, रहे होंगे, कंटिन्यू रहता है ये का एक्शन।